इंडिया को अब की बार कतर को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि अब डिप्लोमेसी से कोई बात बनने वाली, और भारत को अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और किसी भी हद तक जाके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। भारत सरकार की ओर से कह दिया गया है, कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। जितनी कतर की इकोनॉमी उसको भारतीय चलाते, हमारी 850 कंपनियां वहां है। भारत से वहां करीब 40-70% खाने पीने का जो सामान है वो भारत से जाता है। वहां टेक्नोलॉजी जो काम करने वाला व्यक्ति वो सारे भारतीय मूल के। यहां पर गटर के ढक्कन पर भी मेड इन इंडिया लिखा है, तो अगर इंडिया गटर के ढक्कन तक बना रहे हैं तो सोचिए कि क्या कुछ नहीं बना रहा। दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको समर्थन करता कतर, हिजबुल्ला को $1.5 बिलियन देने वाला कतर, कम से कम 40-45 नॉन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाला कतर, हिजबुल्ला, हमास, इस्लामिक जिहाद। एक ऑफिसर की बहन ने इमीडिएटली भारत सरकार को बताया और भारत सरकार कार्रवाई पे लग गई थी। इंडिया का जैसे जैसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ता जा रहा है, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जिस प्रकार हाल ही में भारत और कनाडा के बीच में एक डिप्लोमेटिक लड़ाई चल रही थी, तो बिल्कुल वैसे ही अब भारत और कतर के बीच में भी एक डिप्लोमेटिक लड़ाई शुरू होने वाली है, और ये लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है कि इस लड़ाई की वजह से ही भारत और कतर के जो संबंध है वो पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। कतर जैसा एक छोटा देश जिसके सिर्फ 3 लाख खुद के नागरिक हैं, बाकी सारे तो सिटीजन नहीं हैं, उसने भारत के ऊपर एक बहुत गंदा एक्शन किया है। उसने 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स, एक्स नेवी ऑफिसर्स के ऊपर लॉ को साइड में रखते हुए, नेचुरल जस्टिस को साइड में रखते हुए, इंटरनेशनल लॉ को साइड में रखते हुए अपने एजेंडा तहत कार्रवाई करी है, और भारत को अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और किसी भी हद तक जाके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब दरअसल हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि कतर के कोर्ट ने भारतीय नौसेना के पूर्व 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है। और अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार जो हमारे नौसेना के पूर्व सैनिक थे वो कतर कैसे पहुंच गए और कतर के कोर्ट ने आखिरकार उनको फांसी की सजा क्यों सुना दी। तो इस पूरे मामले के बारे में हम आसान शब्दों में समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लो कि कतर एक ऐसा इस्लामिक देश है जो कि बाहर से तो भारत का दोस्त होने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से वो भारत से नफरत करता है। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से कतर की सरकार और वहाँ की मीडिया आपको हमेशा प्रधानमंत्री मोदी और भारत के बारे में जहर उगलती हुई दिखाई देगी। कतर की मीडिया जो 90% न्यूज भारत के बारे में बताती है, तो वो भारत के बारे में केवल और केवल गलत ही बताती है। और इतना ही नहीं, वैसे तो कतर भारतीय मार्केट से पैसा कमाने के लिए भारत को अपना सच्चा दोस्त बताता है, लेकिन वही कतर फिर भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन करता है और हमेशा ये चाहता है कि भारत उनके सामने झुकने वाला और उनकी बातों को मानने वाला एक सीधा साधा देश बना रहे। खैर, अब इन सब बातों को छोड़कर हम ये जानते हैं कि आखिरकार जो हमारे नौसेना के पूर्व 8 सैनिक थे वो कतर कैसे पहुंच गए और आखिरकार कतर के कोर्ट ने उनको फांसी की सजा क्यों सुना दी। तो देखो, अब आज से तकरीबन 1 साल पहले कतर की सरकार ने गैर कानूनी तौर पर भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को बंदी बना लिया था, और तब से ही कतर की सरकार ने उनको जेल में रखा है। और दरअसल ये जो हमारे 8 नौसेना के सैनिक हैं वो कतर की एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे, और ये प्राइवेट कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने का और साथ ही साथ उनको कई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करती थी। और इसीलिए ये जो हमारे पूर्व नौसेना के सैनिक थे वो कतर में रहते थे और कतर की इस कंपनी में नौकरी करके जो वहां की नौसेना है उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करते थे। लेकिन कतर की सरकार ने गैर कानूनी तौर पर इनको बंदी बना लिया और इन पर ये आरोप लगा दिया कि वो कतर की नौसेना की जासूसी कर रहे हैं इजराइल के कहने पर। और कतर की सरकार ने इस मामले को बहुत ही ज्यादा गुप्तनीय रखा था, और इसका कारण यह है कि आज भी कतर की सरकार के पास इन सैनिकों को दोषी साबित करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कतर की सरकार ने न केवल उन सैनिकों को बंदी बनाया, बल्कि अब कतर के कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दी है। और इसीलिए अब भारत सरकार ने भी कतर के कोर्ट को चैलेंज कर दिया है, और भारत सरकार का यहाँ पर कहना है कि हम इस मामले के तह तक जाकर जानकारी निकालेंगे, और जब हमारे नागरिक
नागरिक पूरी तरह से बेगुनाह साबित हो जाएंगे तो ये कतर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन सैनिकों में से कई सैनिकों को तो भारत सरकार की तरफ से मेडल भी मिल चुका है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये सैनिक भारत के लिए कितने ज्यादा जरूरी है और अब इसकी वजह से कतर और भारत के रिश्ते कितने ज्यादा खराब होने वाले हैं। इन्होंने बोला साहब आपने जासूसी करी है इसराइल के लिए जासूसी। एक तो मुझे लगता है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक हौगा बना है इसराइल का, पता नहीं क्यों इनको सब लगता है कि यहूदियों के जासूस हैं, हिंदुओं के जासूस, इनका है कुछ दिमाग में ना, कई कंट्रीज हैं, सबके सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन कई कंट्रीज हैं ऐसे, इनकी थोड़ी सी दिमाग में कमी है, इनको हर बंदा यहूदी जासूस लगता है। एनीवे, इन्होंने बोला कि साहब ये इसको इन्होंने यहूदियों के लिए जासूसी करी है, इसराइल के लिए जासूसी करी है, लेकिन वो कारण है कि किसने क्या करा है, एग्जैक्टली आपने क्या करा है ये किसी को बताया नहीं उन्होंने। अब मैं आपसे कहता हूं कि साहब आपने मेरे घर में डाका डाला है, आपने कब डाका डाला, आपने क्यों डाका डाला, आपने क्या हथियार और इस्तेमाल करके जो आपने डाका डाला वो क्या थे, आप डाके में क्या चोरी करके ले गए, क्या डकैती करके ले गए आप घर के अंदर, ये मैं कुछ बताने को राजी नहीं हूं। इन्होंने डाका डाला है, सजाए मौत कहानी खत्म हो गई। भाई जब डेमोक्रेसी नहीं होता कोई देश, जब एक शेख के रहमो करम पे पूरा एक मुल्क चलता है तो यही होता, फिर शेख डिसाइड करता है ना, फिर शेख डिसाइड करता है कि क्या करना है। और ये सब जो पेट खराब हो रहे हैं ना इन देशों के, ये तेल का पैसा है, ये तेल की वजह से पेट खराब हो रहा है। कतर की के बारे में कुछ चीजें बताओ अपने दर्शकों को। 35 लाख की साहब आबादी, 35 लाख की आबादी, 350 बिलियन का जीडीपी है। दुनिया का 70% गैस का रिजर्व कतर में पाया जाता है, नेचुरल गैस के रिजर्व। हर 5 में से एक व्यक्ति भारतीय मूल का है। जितनी कतर की इकोनॉमी उसको भारतीय चलाते, हमारी 850 कंपनियां वहां है। भारत से वहां करीब 40-70% खाने पीने का जो सामान है वो भारत से जाता है। वहां टेक्नोलॉजी जो आती, जो काम करने वाला व्यक्ति वो सारे भारतीय मूल के। और नुपुर शर्मा जी का जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे हमारी डिपेंडेंसी कतरी गैस पे करीब 45% थी, आज वो घट के 19-20% आ गई। ये है कतर की हिस्ट्री ज्योग्राफी। अब कतर के बारे में आपको और चीज बताऊं, दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको समर्थन करता कतर। हिजबुल्ला को $1.5 बिलियन देने वाला कतर, कम से कम 40-45 नॉन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाला कतर, हिजबुल्ला, हमास, इस्लामिक जिहाद, किसी का भी नाम लीजिए, सबको पैसे देने वाला कतर, PFI को पैसे देने वाला कतर, भूलिएगा ना, लश्कर ए तोयबा जैश मोहम्मद की इनडायरेक्ट फंडिंग करने वाला कतर। कतर में कई सारे लोगों का खून उनके हाथों पे। कतर हमेशा जब फियास्को होता है नेगोशिएशन करता है, नेगोशिएशन करके क्या करता है, आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करता है, उनके पलड़े में फैसले स्विंग करने की कोशिश करता है। ये कतर का इतिहास है, ये कतर की हिस्ट्री है। कतर ने ये चीज करके लक्ष्मण रेखा आज पार कर ली है, उसने अपनी औकात से ज्यादा पंगा ले लिया है। ये 30-35 लाख का देश अगर सोचता है कि हमें ये भूली कर पाएगा, हमें ये डरा पाएगा, हम भ्रमित हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, ये गलत फहमी में है। ये 2013 का भारत नहीं, मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है 2023। खैर अब भारत सरकार ने यहाँ पर यह ठान लिया है कि हम इनको बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देंगे और अब इसकी वजह से कतर और भारत के संबंध भी बहुत ही ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।